देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। टेलीफोन रात देर की ते जे कीता ते चीफ मिनिस्टर नु खुद क्लैरिफाई करना चाहिए। एक एडवाइज टू द सीएम कर रहे, ये क्लैरिफिकेशन किसी और को नहीं दवाई जा सकती। खुद चीफ मिनिस्टर आप क्लैरिफाई कर के कि ये जे ना लिया ते तुहाडा ना लिया, जे ना लिया होएगा फिर असी संज्ञान उस मुताबक लांगे। ते ओ जिहड़ा भी एडवाइजर है उन्हूं इन्हां नूं सत श्री अकाल बुला के अपने दफ्तर तों बाहर कर, जिन्हां ने इन्नी वड्डी लुट खसुट की 10 साल, ये तुहाडा इलैक्शन प्रोमिस भी सी, वर्तना उन्हां खिलाफ सी, कुंडा अपना खड़काना शुरू कर दिता। बड़ा अनुभव ढींसा साहब साढ़े दोस्त ने जी, मेरे फादर दे नाल भी लंबा अरसा एज MLA रहे ने, परमिंदर हुणी भी मेरे दोस्त ने, साढ़े रिश्तेदार भी ने, साढ़े ये साढ़े पर्सनल रिलेशनशिप है, कोई ये पोलिटिकल कोई चीज़। कांग्रेस दे विच फिलहाल कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, कोशिशा बहुत चल रही ठीक करन दी, लेकिन जिवें कल प्रगट सिंह वालों आरोप लाए गए कि उन्होंने दे जिहड़े मुख्यमंत्री सलाहकार है उन्होंने उन्होंने धमकाया है, तो इस मुद्दे नूं लैके काफ़ी हो हल्ला है। साढ़े नाल प्रताप बाजवा गल करदे। बाजवा साहब, कल प्रगट सिंह ने जिस तरीके से एलीगेशन लगाए ने, काफ़ी ज़्यादा इससे हुण सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों एक जड़े चुनी हुई नुमाइंदे नूं इस तरीके नाल एक अफसर वालों धमकाया गया, एक सलाहकार वालों। देखो मैं समझना बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं सारे TV चैनल्स नूं कल तुसी नहीं सी कवर कर सके, बाकियों नूं मैं कहा सी कि सीरियस मैटर होने के कारण, क्योंकि चीफ मिनिस्टर दे एक एडवाइजर ने टैलीफोन रात देर किया, तो जे किया तो चीफ मिनिस्टर नूं खुद क्लैरिफाई करना चाहिए। एक एडवाइजर टू द CM कर रहे, ये क्लैरिफिकेशन किसी होर को नहीं दवाई जा सकती। खुद चीफ मिनिस्टर आप क्लैरिफाई कर के कि ये जे ना लिया तो तुहाडा ना लिया, जे ना लिया होएगा फिर असी संज्ञान उस मुताबक लाँगे, तो जे नहीं है तो वो जिहड़ा भी एडवाइजर है उन्हूं इन्हां नूं सत श्री अकाल बुला के अपने दफ्तर तो बाहर कर देना चाहिए। दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। साड़ी गल पार्टी हाईकमांड ने उत्ते भी हो चुकी है कि इस किस्म का काम ना कोई बर्दाश्त करेगा, ना कभी किया सी, तो ना कभी किसी को डरे हैं, ना डराया ना डरे हैं, ना धमकाया ना धमकाए गए हैं कभी, तो ये गल अनफॉर्चुनेट है। वेखो इस टाइम मेरी भी उत्ते गल सारे ना हुई है, पार्टी हाईकमांड ने यही भी गल कही कि कोरोना का टाइम है, ना किसी को कोई हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल ने, बैड्स नहीं, ऑक्सीजन नहीं, दवाइया नहीं, वैक्सीनेशन नहीं, असी ये तुसी अपना काम शुरू करता। जे विजिलेंस नूं 14.5 साल बाद वरतना ही सी, बादलों के खिलाफ वरतना सी, जिन्हां ने इन्नी वड्डी लुट खसुट की 10 साल, ये तुहाडा इलैक्शन प्रोमिस भी सी, वर्तना उन्हें खिलाफ सी, कुंडा अपना खड़काना शुरू कर दिता। बड़ा अनफॉर्चुनेट। सर, एक तुसी अज राज्यसभा सांसद ढींसा साहब को आए सी मिलन, की वैसे ही मिलन आए सी? नहीं, ढींसा साहब साढ़े दोस्त ने जी, मेरे फादर दे नाल भी लंबा अरसा एज MLA रहे ने, परमिंदर हुणी भी मेरे दोस्त ने, साडे रिश्तेदार भी ने, साडे ये ते साडे पर्सनल रिलेशनशिप है, कोई ये पोलिटिकल कोई चीज़ रीड करन दी लोड़ नहीं है। एक आखिरी सवाल, जिहड़ा कल चरणजीत सिंह चन्नी नूं लैके भी महिला कमीशन वालों जिहड़ा हुण जांच दुबारा शुरू की गई है, टाइमिंग दे उत्ते बड़े सवाल चके जा रहे कि उधरों चन्नी साहब भी जिहड़े मुख्यमंत्री साहब दे अगेंस्ट कुछ बोले ते इस तो बाद ये सारा कुछ होया, एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू हो गए, एक पासे प्रगट सिंह हो गए, तो एक पासे हुण चरणजीत सिंह चन्नी हो गए, टाइमिंग दे उत्ते बड़े सवाल चके जा रहे। अनफॉर्चुनेट, मैं समझना कि मैं उही गल फिर आना कि कोरोना वाल ध्यान दो, इन्हां गल्लां दा ध्यान ना दो, ये चीज़ जिहड़ी इहदा जवाब बाकी चन्नी जी आप देणगे, क्योंकि उन्होंने इहदे बारे ज़्यादा जानकारी, तो वो आप कहणगे, तो मैं बस इन्नी गल कह। एक 45 दिन की कल तुसी गल कीती सी कि जिहड़ी SIT जिहड़ी बनाई है अगर वो काम नहीं करती तो उस तो बाद फिर सबक सिखावांगे। नहीं, सबक सुबक तो की किसी ने सिखाना, वो तो पंजाब के लोग ही सिखाएंगे, जिन्होंने सिखाना होगा असी की सिखाना, अं तो एको गल कही सी 45 दिन असी आस कर रहे हैं, साड़ी सरकार जिहड़ी SIT है एक महीने के अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, उन्होंने ब्रशअप करके कोर्ट के इन्हों खिलाफ जिन्ह लोगों ने गोलियां चलवाइया तो लोगों को शहीद किया, इन्हों के खिलाफ बादलों से कार्रवाई शुरू असी करवा सकी। ये गल कही सी कि जो 45 दिन ना हो गए फिर 45 दिन बाद दसांगे अगला सैकेंड साडा प्लान ऑफ एक्शन की है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो ये प्रताप सिंह बाजवा जड़े कि अज जड़े सुखदेव सिंह ढींसा नूं मिलन आए सी, इन्होंने साफ किया कि कल जिवें प्रगट सिंह नूं एक अफसर वालों धमकाया गया, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, इसकी शिकायत इन्हें पार्टी हाईकमान नूं भी की, तो पार्टी हाईकमान ने जी गलबात की, तो नाल जिहड़ा चरणजीत सिंह चन्नी का मसला भी एकदम उछलिया मीटू नूं लैके, उसनूं लैके भी सवाल काफ़ी खड़े हुए हैं, तो सुखदेव सिंह ढींसा नाल भी अज्ज मुलाकात की, साफ किया है कि एक परिवारिक रिश्ते होने के कारण इन्होंने अज्ज मिलन आए सी, कोई ये कोई
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्ह चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94 647 84374 94 648। पंडित राधे शर्मा चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ मनचाहा प्यार पाओ लव मैरिज सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस जमीनी झगड़ा नौकरी कारोबार च रुकावट विदेश यात्रा लॉटरी तो तुहानूं मिलेगा जां नहीं सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटोमैक्स तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका इक बार जरूर मिलो मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 788 0 45 85 588 38 617।